हेलो स्टूडेंट्स तो बढ़ते हैं हमारे एमिन के कन्वर्जन में आगे हम लास्ट क्लास में हमने कुछ कन्वर्जन किए थे उसी में हम फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट कन्वर्जन मैंने हमने सॉल्व किया था पहले देख लेते हैं लास्ट क्या था था हमने एनिलीन से इथाइल बेंजीन बनाया है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन नॉट करेंगे वीडियो पॉज करके लिखे इसे अगला कन्वर्जन देखो लिखा हुआ है इथाइल बेंजीन से एनिलीन बनाना है इससे प्रीवियस हमने एनिलीन से इथाइल बेंजीन बनाया था अब उल्टा करना है इथाइल बेंजीन से एनिलीन फिर एनिलीन से हाइड्रोक्सी एसिडोफिन और एनिलीन कन्वर्ट टू पैरा नाइट्रोक्लोरोजिन तीनों नोट करेंगे कन्वर्जन और वीडियो पॉज करके खुद से बनाए चलिए देखते हैं। तो इथाइल बेंजीन से हमें एनिलीन फॉर्म करना है दैट इज द इथाइल बैंजिन एनिलीन बनाना है तो सबसे पहले तो हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगी एल्काइल इथाइल बेंजीन कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड का अब हम इसको क्या करें अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दो हीट करो तो क्या बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव एन एच टू आ गया एक कार्बन लेस प्रोडक्ट एक कार्बन कम करना है बी आर टू के ओ एच के साथ हीट कर दो ठीक है वॉट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है और क्या बना देगा है? एनिलीन। तो इस तरह से मिथाइल बेंजीन से एनिलीन फॉर्म कर सकते हैं अगला कन्वर्जन देखिए आप अब हमें क्या करना है हमारे सामने है एनिलीन एनिलीन से बनाना है पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन ये एनिलीन पैराहाइड्रोक्सी एसिडोफिन तो पहला काम तो क्या करें है? हम एनिलीन को हमें फिनॉल में चेंज करना होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए है ना तो एनिलीन का डायजोटाइजेशन करो सबसे पहले तो तो एनिलीन के डायजोटाइजेशन सी कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में अब हम क्या करें इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें हम तो जानते हैं कि पॉजिटिव ग्रुप uh, का काम करता है तो यह आफ्टर हाइड्रोलाइसिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों फिनॉल में और हमें बनाना है पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फिनॉल का एसाइलिशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एलसीएल थ्री एंड दैट इज द रिएक्शन नेम इन्स फ्रिडिलेशन रिएक्शन तो फिनॉल की पैरा पोजिशन पर एंड प्रोडक्ट नेम इज पैराइड्रोक्सी एसिडोफिनोल तो सबसे पहला हमने एनिलीन से डायटाइजेशन किया फिनॉल बनाया एंड फिनॉल से अगला जो रिएक्शन है दैट इज द फ्रिडिलइलेन एसाइलेशन फ्रिडिलइलेन रिएक्शन ऑफ फिनॉल फिर अगला देखो कन्वर्जन क्या है बच्चों एनिलीन से बनाना है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन तो सबसे पहला काम तो क्या कर दो आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना लो फिर क्लोरोबेंजीन डायरेक्टिंग होता है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर देंगे हम मिक्स एसिड के साथ तो दैट इज द एनिलीन एनिलीन से सबसे पहले तो डायजोटाइजेशन करो एनएन टू एस सी एल ले सकते हैं नाइट्रस एसिड कन्वर्ट टू एन टू सी एल बीडीसी बन क्लोराइड

तो इसकी पैरा पोजिशन पर क्या आ जाएगा बच्चों इट मीन एनिलीन से हमने क्या बनाने का पेरा नाइट्रो क्लोरो वीडियो करके जिसने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं अब देखिए कुछ कन्वर्जन और है। काफी कन्वर्जन ऐड कर दी मैंने इसमें लास्ट यूनिट के अंदर है ना जो भी एनिलीन से रिलेटेड प्रीवियस को भी लिंक कर रहे हैं तो अगर आपसे अभी नहीं बन रहे हैं, तो जब पूरा पढ़ लें तो रिवाइज करके अलग करके नोट्स में इनको अलग से कॉपी में लिख के आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और इनसे आपको रिएक्शन भी लर्न होंगी तो करते हैं देखिए कन्वर्जन नोट करें पैरा पैरानाइट्रोटोलुन से मेटा मेटानाइट्रोटोलोइन बनाना है फिर अगला है बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनोल बनाना है फिर एसिड एनिलाइट से पैरानाइट्रो एनिलीन बनाना है फिर एनिलीन से आयोडोबेजीन बनाना है तो सबसे पहले देखते हैं हम फोर्टीन इट्रोटोलोविन पैरा नाइट्रोटोलोविन से मेटानाइट्रोटोलोविन बनाना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम इसका एसिडिक एसिडिकोफोर के साथ ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो टोलोवीन जो है सी एच थ्री उसकी जगह क्या आ जाएगा सी इज़ एच है अब हमें मेटा डायरेक्टी मैंने ना तो हम क्या करें एस को हटा देते हैं ना तो हम क्या करेंगे एन ओ एच सी ए तो डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो अब हमारे पास क्या नाइट्रोबेन हमें बनाना है मेटा नाइट्रोटोलिन और हम नाइट्रोबेंजीन की प्रॉपर्टी जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्यूशन रिएक्शन क्या देता है ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है तो तो इसका जब हम एल्काइलेशन करेंगे ठीक है तो इसकी मेटा पोजिशन पर ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेटा नाइट्रो टॉलोइन इस तरह से हम इसको बना सकते हैं सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन किया फिर डी कार्बोक्सिलेशन एनएचसीओ क्या होता है ये ऑक्वर्ड प्रोसेस डी कार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ सीओ टू ऑक्वर्ड प्रोसेस भी बोलते हैं फिर एल्काइलेशन किया प्रोडक्ट का देन प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो नेक्स्ट बेंजीन से बनाना है मेटा ब्रोमोफिनॉल बेंजीन से बनाना है मेटा प्रोमोफिनोल तो सबसे पहले तो बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो आप तो बेंजीन का आप जैसे ही नाइट्रेशन करेंगे कन्वर्ट टू नाइट्रोबेंजीन और उसके बाद आप इसका मेटल एसिड के साथ रिडक्शन कर दो तो जैसे ही आप इसका रिडक्शन करेंगे कन्वर्ट टू एनिलीन और इसका आप क्या कर दो डायजोटाइजेशन तो ये आ गया आपके पास बी डी सी सोल्ट एन टू सी एल अब क्या करेंगे इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे जैसा अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था तो ये बन गया आपका फिनौल. हमें बनाना है मेटा मेटा बी आर चाहिए बट यहां पर तो तो हमें ये स्टेप हमारा रॉन्ग हो जाएगा मैं जैसे फिनॉल बनाना है तो हमें क्या करना होगा देखो यहां पर मेटा डायरेक्टिंग करना है ना मेटा ब्रोमो तो सबसे पहले एक स्टेप गलत हो गया इसमें इसको मैं सही कर देता हूं तो देखो इसमें क्या करना होगा हम इसको यहीं से ब्रोमिनेशन कर दो आप इसका यहां से क्योंकि हमें मेटा डेरिवेटिव बनाना है तो बी आर टू तो ये बन जाएगा आपका एनओ टू और मेटा पर बी आर आ गया मेटा ब्रोमो अब आपका अगला टास्क बस यहां पर ओएच लाना है है ना अब वो स्टेप कर लो आप मेटल एसिड रिडक्शन तो ये हो गया आपका एनएच टू एन ये मेटा पर लगा है अब कर दो आप डायशन तो ये हो जाएगा आपका एन टू सी एल और फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो फाइनली एन टू ग्रुप का काम करता है तो फाइनल आ जाएगा ओ OH. एच और मेटा थ्री पोजीशन पर बी आर तो बन गया मेटा ब्रोमो फिर इस तरह से हम कर सकते हैं तो हमें देखना है क्या बनाना है मेटा डायरेक्टिंग तो सबसे पहला काम हमने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लेकर आए फिर उसका ब्रोमिनेशन किया सबसे पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन किया मेटा पर बी आर फिर मेटल एसिड रिडक्शन एनिलीन डायजोटाइजेशन बीडीसी बन गया फिर हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट टू तो मेटा ब्रोमो ब्रमोफिन अगला कन्वर्जन देखिए एसिड से पैरा नाइट्रो एनिलीन ये तो हमने प्रीवियस उसमें भी किया था लेकिन हमने यहां एनिलीन की जगह एसिट दे दिया तो एक स्टेप बढ़ा दिए डायरेक्ट गई तो आप इसको तो इजिली कर सकते हैं एसिटेनिओ सी ओ एच थ्री तो ये क्या है? होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है खुद ही है ना तो अब हम ये खुद क्या होता है पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है अब आप जो भी इसका करेंगे जैसे नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा पर ही इलेक्ट्रोफाइल एड होगा तो इसका नाइट्रेशन करेंगे एनएचसीओ सी एच थ्री और यहां पर सॉरी पैरा पर NO2 एंड फाइनली H+ सो so H- इसमें कन्वर्ट टू पैरा नाइट्रो या फोर नाइट्रो एनिलीन इस तरह से हम बना सकते हैं कन्वर्जन 17 में देखो एनिलीन से आयोडो बेंजीन बनाना है है ना मैं स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं इसको 17 एनिलीन से आयोडो बेंजीन ये तो बहुत इजी है हेलो बेंजीन कई तरह से बना सकते हैं एनिलीन से क्लोरो बना सकते हो ब्रोमो बना सकते हो आयोडो बना सकते हो फिनोल बना सकते हो और फ्लोरो भी बना सकते हो तो क्या करना होगा डायजो तो क्या बन जाएगा एन टू सीएल बनाना है क्या ही के साथ हीट कर दो कन्वर्ट टू आयोडो बेंजीन एन टू सीएल ग्रुप का काम करता है यहां पर आप सी यूसीएल एस सी एल बन जाएगा या कॉपर कौ, सॉल्ट ले लो तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा सैंडमेयर है ना उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एच बी एफ से कर सकते हैं बालशिमन रिएक्शन हो गया है ना ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं तो इस तरह से हम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट यहां पर बना सकते हैं रिलीन से आयोडो तो जिसने नहीं किया है वीडियो पॉज करके लिखो इसे चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छे कन्वर्जन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो खुद से बनाना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी अच्छा देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन क्या लिखा है पहले नोट कर लो इनको वीडियो करके। से एन इथिनेमाई से एन है ना फिर है एनिलीन से पैरा एमिनो एजोबेन फिर अगला लिखा हुआ है लिए हमने कन्वर्जन के एनिलीन को भी इंक्लूडेड एनिलीन तो है ही सही प्रीवियस को भी लिंक कर रहे हैं ना तो आपको प्रैक्टिस करनी इनके अच्छे से इथेनेमाइन है ना वो एमिन है एन इथाइल इथेनेमाइन करना तो क्या करेंगे हम सी एच थ्री सीओ सी एल से रिएक्ट कर दें इसको इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिन तो एस सी एल बाहर सी एच थ्री एच टू एस सी एल निकल दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच हमने एस सी एल निकाल दिया बाकी ऐड कर दो सी एच थ्री सी एच टू एन एच सी एच तो हो गया आपका एन इथाइल इथेनेमाइट ठीक है कर दिया हमने, प्रीडिंग प्रेजेंस में होगा है ना तो ये बन गया आपका एन इथाइल इथेनेमाइट उसके बाद ये शॉर्ट एंड रिएक्शन की तरह ही उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एनिलीन से बनाना है पैरा एमिनो एजो, एजो आते है आप समझ जाएंगे स्टार्टिंग में एनिलीन से है कौन सा रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन दैट इज द कपलिंग रिएक्शन तो हमें क्या करना होगा बीडीसी सॉल्ट को रिएक्ट करेंगे हम एनिलीन से एनिलीन बेस है एसिडिक मीडियम में होगा पी मैचर करना चाहे तो देता है 4 टू 5 लिख दिया एसिडिक मीडियम तो ये असील तो बाहर हो गया प्रोडक्ट बन जाएगा सी सी फाइव एंड डबल बॉन्ड एंड एनस्ट एन, तो प्रोडक्ट क्या बन गया पैरा एमिनो एजो बेंजीन पैरा एमिनो एजो बेंजीन एजो डाई कपलिंग रिएक्शन विच कलर डाई इंपॉर्टेंट कलर कौन सा येलो कलर तीनों कपलिंग रिएक्शन हम लिख चुके हैं अगर यहां पर फिनॉल होता है N2Cl बेसिक मीडियम तो बनता है आपका ऑरेंज कलर का डाई बीटा नेफ्टोल के साथ रेड कलर का डाई एंड दैट इज द रिएक्शन नेम इज कपलिंग रिएक्शन ऑफ एमिलो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे अगला कन्वर्जन देखो बेंजीन से पैराब्रोमो एनिलीन पैरा तो है ना पैरा ब्रोमो एनिलीन तो बना लेकिन रिएक्टेंट क्या दे दिया स्टार्टिंग मिथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है एरोमेटिक ईथर ईथर से कनेक्ट करना है अब हमने क्या सारी रिएक्शन यूनिट्स पढ़ ली हैं तो अब आपको कनेक्ट करना आना चाहिए है ना मैं एनिलीन से बोलता तो हमने कर ही रखा है पहले अब आपको मिथॉक्सीब बेंजीन से करना है तो आपका अगला पहला टास्क क्या है कि बेंजीन से पहले आप एनिलीन बनाओ फिर आगे का काम होगा बेंजीन से एनिलीन बनाना है आपको तो क्या करें देखो बेंजीन क्या होता है बच्चों ये रहा तो इसको आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है एनिलीन में तो सबसे पहले तो हमने एच आई से रिएक्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, ठीक है फिनॉल से हमने इसको जिंक डस्ट से रिएक्ट कर दो हीट करो तो यह कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में बेंजीन का कर दो बच्चों आप नाइट्रेशन मिक्स एसिड के साथ तो नाइट्रेशन करेंगे तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का मेटल एसिड के साथ रिडक्शन कर दो आप तो बन जाता है आपका ये स्टेप्स आपकी बढ़ गई तो आपको ये कनेक्ट करना आना चाहिए कि से एनिलीन तक कैसे जाए है ना अब आप कर सकते हैं आगे वही सेम हम पहले कर चुके हैं ये एनिलीन बन गया आपका प्रीवियस लेक्चर में हमने था एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो एनिलीन का प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये एनिलिनियम आइन में चेंज हो जाएगा वो तो मेटा डायरेक्टिंग होता है तो पैरा डायरेक्टिंग बनाने के लिए हम क्या करें एसाइलेशन करो इसका प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है एसिड बन जाएगा एन एच सी ओ सी एच टी और अब इससे बना सकते हैं हम आगे तो देखो क्या करेंगे अब ये पैरा डायरेक्टिंग होता है ब्रोमिनेशन कर दो बीआर टू तो ब्रोमिनेशन जब आप इसका करेंगे एमएच थ्री पैरा पर बी आर लगा दिया ठीक है अब यह अना में तो

मैं चाहता तो डायरेक्ट फिनॉल से भी कर सकते हैं तो फिनॉल से ये हो जाता है आपसे बोले हैं क्लोरोबेंजिन से कनेक्ट करो तो क्लोरोबेंजिन को पहले डाउस प्रोसेस से फिनॉल बना लो फिर वही सेम आगे तो किसी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं नाइट्रोबेंजिन से बोल दें तो आपको रिएक्शन अगर याद है तो आप कर सकते हैं है ना तो आप रिवाइज करना है ना फिर इनको आप अलग कॉपी में लिख के आप इनको उस टॉपिक को रिवाइज करोगे और कन्वर्जेंस के थ्रू है ना तो एक नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो फिर अपनी अप्रोच लगाओ तो इस तरह से आप कमांड कर सकते हैं है ना वीडियो पास करके लिख लो इसको बढ़ते हैं आगे उसके बाद टेस्ट ऑफ एमीन्स हमें लिखने हैं और इसमें लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट भी होता है ये जी मेंस में एक बार इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया हिंसबर्ग रिएजेंट का है ना और आपकी एग्जाम में भी आ जाता है तो लिखिए हिंसबर्ग हिंसबर्ग टेस्ट केमिकल टेस्ट में लिखेंगे हिंसबर्ग टेस्ट इसमें लिखेंगे

सेकंड देखते हैं पहले वीडियो पॉज करके लिख लो इसको सेकंड देखते हैं वेंट अब हम रियक्ट कर रहे हैं टू डिग्री को, है ना? टू डिग्री हाइड्रोजन है, है की जगह टू डिग्री बार बेनजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या बन जाएगा एन कॉमाइन डाइ एलकाइल बेनजीन सल्फोन ठीक है अब जब आप इसको क्यों से रिएक्ट करेंगे तो यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये इनसॉल्युबल इन केओएच ठीक है और थ्री डिग्री अमीन थ्री डिग्री अमीन में यहां हाइड्रोजन ही नहीं थ्री डिग्री अमीन नॉट गिव दिस टेस्ट तो आपको ध्यान रखना है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमीन के केमिकल टेस्ट दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट फिर हमने लिखा था नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन में नाइट्रस एसिड में हम क्या लेते हैं एच एन ओ टू एच एन ओ टू के साथ रिएक्ट करते हैं ये हम पहले लिख चुके हैं जिसमें अगर हम वन डिग्री एमीन लेते हैं तो वन डिग्री अमीन को जब एच एनो टू से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है एल्कोहल नया डायरेक्ट ये हमने केमिकल टेस्ट ऑफ एमीन में मैं आपको लेक्चर में लिखवा चुका हूं टू डिग्री से बनता है रिएक्ट विद HNO2, एन नाइट्रोसो एमीन येलोइश ग्रीन ऑयली लेयर होती है ना ये भी लिख चुके हैं हम लोग एंड थ्री डिग्री एमीन जब एचनो टू से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है आपका सोल्ट तो सारे टेस्ट से एक साथ लिख रहे हैं इसलिए मैंने वापस लिख दिया यहाँ पर तो वह टेस्ट हो गया दूसरा नाइट्रस रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड थर्ड होता है आपका ये भी हम लिख चुके है, टेस्ट, कार्बिल टेस्ट या कार्बिल बोलते हैं आइसोसाइनेट है uh, है तो ये भी एमीन का टेस्ट है तो ये सारे एक्साथ हमने लिख लिए तो यहां तक ये कन्वर्जन जो भी हमने लिखे हैं ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है ना तो आपका ये टॉपिक एनिलीन हमने विद कन्वर्जन जितने हम कर सकते थे वो हमने किए हैं जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कन्वर्जेंस को प्रैक्टिस करना है पहले आप उसको preparation, जो भी भी यूनिट आप ले रहे हैं पहले रिएक्शन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और जहां हमने जो रिएक्शन लिखा है उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कन्वर्जन सॉल्व किए हैं सिक्वेंस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पूरा ठीक है तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ हमने uh, हेलाइट कर लिया है हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल इथर पूरा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड उसमें भी काफ़ी कन्वर्जन किए और ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमीन भी हमने कंप्लीट कर लिया है ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू